हेलो एवरीवन, तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक चल रहा था डिकोडर, लास्ट टॉपिक जो कि मैंने आपको पार्ट वन में बताया था डिकोडर, डिकोडर क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टू क्रॉस फोर लाइन डिकोडर, और बेसिकली जो डिकोडर मैंने आपको बताया था डिकोडर क्या होता है कि डिकोडर मिनिमम जनरेट करता है, जिसकी वजह से हम क्या है कि डिकोडर को एंड गेट से डिजाइन करते हैं। क्योंकि मिनिमम मतलब होता है प्रोडक्ट टर्म, और प्रोडक्ट टर्म का मतलब होता है कि प्रोडक्ट टर्म के लिए कौन सा गेट यूज होता है, नैंड गेट, सॉरी एंड गेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डिकोडर डिकोडर मिनिमम जनरेट करता है जो कि प्रोडक्ट टर्म होते हैं, और उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट टर्म के लिए एंड गेट यूज करते हैं, ठीक है। एक बार में एक डिकोडर ऑन होगा, बकाया सब क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे, तो उस दिन आपने देखा था। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने एक पॉइंट और बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि कुछ डिकोडर होते हैं एक्टिव लो आउटपुट के लिए भी डिजाइन किए जाते हैं, कुछ डिकोडर होते हैं एक्टिव लो आउटपुट के लिए डिजाइन किए जाते हैं, तो उसको हम बनाते हैं यूजिंग नैंड गेट। तो यहाँ पे देखते हैं हम टू क्रॉस टू टू फोर लाइन डिकोडर, टू टू फोर लाइन डिकोडर यूजिंग नैंड गेट। टू टू फोर लाइन डिकोडर यूजिंग नैंड गेट, ठीक है, एक्टिव लो आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले ट्रुथ टेबल देखते हैं इसका, इनेबल मान लिया, ई है, दो इनपुट हैं, क्योंकि टू टू फोर लाइन डिकोडर में मतलब होंगे दो इनपुट होंगे, चार आउटपुट, D0, D1, D2 एंड D3। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इनेबल, अभी हम सर्किट से समझेंगे, इनेबल मैंने 1 लिया और इसकी वैल्यू कुछ भी ली, ठीक है, तो सभी आउटपुट क्या आएंगे 1। सर्किट से और ज्यादा क्लियर होगा, अब इनेबल कर दिया मैंने लो, इसकी वैल्यू 0 0 है, फिर 0 है, 0 1 0 1 0 एंड 0 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इनेबल जब हाई है, ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो क्रॉस क्रॉस मतलब, तो आउटपुट है सभी क्या हो रहे हाई, क्योंकि एक आउटपुट लो होना चाहिए, क्योंकि आउटपुट लो के लिए बना रहे हैं, और रिमेनिंग क्या होंगे हाई। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कुछ डिकोडर हम लोग डिजाइन करते हैं एक्टिव लो के लिए, और रिमेनिंग जो आउटपुट होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वही है, अब इसके बाद हमने इनेबल 0 कर दिया, 0 0 मतलब 0 वाला रो लो रहेगा और सभी क्या रहेंगे हाई। फिर इनेबल 0 है, 0 1 का मतलब 1 वाला लो रहेगा और सब हाई रहेंगे, 1 0 मतलब 2 वाला लो रहेगा, और 1 1 मतलब 3 वाला लो रहेगा, ठीक है। नैंड गेट से बनाना है तो यहाँ पे D0 क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट, A बार B बार और E बार का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एंड और इन्वर्ट कर रहे हैं, ए बार और बी बार देन ई बार, यहां से हम देख सकते हैं हमने ई रखा 0 तो हो गया 1, ए रखा 0 तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, बी रखा 0 तो 0 का कॉम्प्लीमेंट, तीनों 1 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, तो D0 देखिए 0 आ रहा है, देन D1 0 1 है तो ए बार बी इनटू ई बार का होल बार, D2 निकालेंगे तो 1 0 है, यानी A B बार E बार का होल बार, एंड D3 निकालेंगे तो A
बी ई बार का होल बार। ये देखिए चार आउटपुट आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो ट्रुथ टेबल है हमारा इन आउटपुट से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने लिया इनेबल जीरो, यदि हम इनेबल जीरो इनेबल जीरो पे तो एक्टिव है, ये एक्टिव लो आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले हम कंडीशन चेक कर लेते हैं, ये वाली इनेबल वन है, ए बी की वैल्यू कुछ जीरो, इनेबल यदि हम वन रखते हैं, वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जीरो, जीरो समथिंग यानी जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, और उसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या आएगा वन। सेम इसमें रखें, e की वैल्यू 1 रखें, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 इनटू समथिंग 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, d1 भी 1 आया। देन d2 हम देखें, इसमें भी हमने 1 का कॉम्प्लीमेंट किया 0, तो 0 इनटू 0 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो d2 भी हाई। d3 हमारा आ रहा है, e हमने रखा है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 इनटू समथिंग 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट 1, तो d3 भी 1। तो जब हमारा इनेबल क्या है हाई है और ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो, ए और बी की वैल्यू हमने चेक ही नहीं किया है, कुछ भी रख सकते हैं हम, चाहे 0 0 रखें, 0 1 1 0 रखें या 1 1 कोई भी वैल्यू रखते हैं, हमेशा आउटपुट क्या आएगा 1। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं दूसरी कंडीशन, अब जब इनेबल हमने क्या कर दिया एक्टिव लो, इनेबल हमारा है लो है, 0 रखें, यहाँ पहली कंडीशन चेक करें 0 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, ए भी 0 बी भी 0, ए जीरो बी जीरो, तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट 1, जीरो का कॉम्प्लीमेंट 1, तीनों 1, 1 into 1 क्या हो गया 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट किए तो यहाँ देखिए क्या आया 0। अगर इसको आप चेक करेंगे तो इस केस में आएगा क्या, ये तो हो गया 1, लेकिन देखिए बी क्या है आपका 0, और 0 ये है तो 0 into something सब क्या हो जाएगा 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 1, इसलिए d1 1 है। इस केस में भी आप देख सकते हैं कि ए 0 है, 0 का 0 into 0 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट 1, एंड इस केस में भी आप देख सकते हैं ए भी 0 है, 0 into something 0 उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1। तो पहली कंडीशन में क्या होगा एक्टिव लो हमारा आउटपुट कौन सा आएगा d 0। देन हम देखते हैं अब d1, d1 आपका लो है जब इनपुट क्या है 0 1, तो ये वाला लो आएगा। इसमें आप जब e की वैल्यू हमने 0 रखा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, b क्या है 1 है, देख सकते हैं आप a 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये हो गया 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0, और सब क्या रहेंगे आपके हाई। सेम जैसे मैंने आपको इस कंडीशन में बताया है, पहली वाली कंडीशन में d 0 जब आपका 0 आ रहा है और सभी d 1 d 2 d 3 क्या आ रहे हैं हाई आ रहे हैं, तो इसी से हम चेक कर सकते हैं कि एक बार में एक ही आउटपुट लो होगा और रिमेनिंग क्या रहेंगे हाई। ठीक है, तो एक टाइम में एक ही आउटपुट आपका लो रहेगा और रिमेनिंग क्या रहेंगे हाई। तो वही कंडीशन है यहाँ पे कि हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जब 0 0 तो d 0 लो आ रहा है, 0 1 वाला मैंने बता दिया d 1 लो आ रहा है, d 2 चेक कर लेते हैं 1 0 पे, 1 0 e 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, a 1 है हमारा, b 0 है, देखिए 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो 1 into 1 into 1 क्या हो गया 1, और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0, तो देखिए d2 क्या आ रहा है 0 आ रहा है और सब हाई आएंगे। देन d3 चेक कर ले रहे हैं, e हो गया 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, a1 b1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये आ गया आपका d3। इसको हम डिजाइन कर लेते हैं NAND गेट से। ठीक है, इनपुट सबसे पहले इनपुट ले रहे हैं, और एक और हम ले ले रहे हैं ये इनेबल, ये ए इनपुट बी और ई इनेबल। ठीक है, तो अगर हमें ए चाहिए होगा तो इस लाइन से मिल जाएगा,
ए बार चाहिए होगा तो ए इन्वर्टर हो गया, बी चाहिए तो ए वाला हो गया इनको, और बी बार चाहिए तो ए इनपुट हो गया, और ई बार जो कि हम लोग इनेबल दिए, ठीक है। नैंड गेट, चार नैंड गेट है क्योंकि चार आउटपुट आ रहा है, डी0 डी1 डी2 एंड डी3, तो चार नैंड गेट लगा दीजिए। एक, दो, तीन, चार। देखिए पहले में क्या है आपका, ए बार बी बार, ए बार बी बार, तो ए बार एंड बी बार, और थर्ड क्या है, ई बार, ई यहाँ पे ई बार यहाँ से मिल जाएगा, ये ई बार हो गया। फिर क्या है देखिए, ए बार बी, ए बार यहाँ से मिल जाएगा, ये इनपुट हो गया, देखिए ये इनपुट दे दिया मैंने, और बी एंड ई बार ये हो गया, ठीक है। डी वन हो गया डिजाइन, डी टू ए बी बार, ए ए यहां से दे देंगे इनपुट, और बी बार एंड ई बार, एंड लास्ट वाला क्या है देखिए, ए बी ई बार, ए बी बी ए हो गया एंड ई बार, तो चार आउटपुट हो गए, ये डी थ्री है, ये डी टू है, ये डी वन है, और ये डी जीरो है। तो क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, ए बार बी बार ई बार का होल बार, यहाँ पे क्या है, ए बार बी इंटू ई बार का होल बार, यहाँ पे क्या है, ए बी बार ई बार का होल बार, यहाँ पे क्या है, ए बी ई बार का होल बार, ये चार आउटपुट आ गए, ठीक है, जो हमारे आउटपुट आ रहे थे। तो ये कौन सी सर्किट है, ये है सर्किट NAND डिकोडर सर्किट है, यूजिंग NAND गेट। तो हमारा जो टॉपिक था 2 टू 4 लाइन डिकोडर यूजिंग NAND गेट, तो 2 टू 4 लाइन डिकोडर सर्किट है, और वो हमने किससे डिजाइन किया है, NAND गेट से। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 टू 4 लाइन डिकोडर है, और वो किससे हम बना रहे हैं, NAND गेट से। इससे पहले हमने बनाया था AND, तो AND गेट से बनाए थे, तो AND में क्या था कि एंड गेट में आपका जो है एक बार में एक आउटपुट आई था, रिमेनिंग क्या थी, जीरो। और ये वाला जो हम बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, एक्टिव लो के लिए, इसलिए यहां पे क्या नैंड गेट यूज हुआ, ठीक है। तो इस सर्किट को हम वेरीफाई कर सकते हैं, सबसे पहले हमने लिया ई वन और ए बी की वैल्यू, डोंट केयर ई वन लिया है, तो देखिए सभी नैंड में एक इनपुट जा रहा है ई बार, ये हम ई देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये होगा ई बार क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर लगा है, और E बार यानी E का कॉम्प्लीमेंट हर एक NAND में जा रहा है। तो हमने यहाँ पे दिया 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, और 0 आएगा तो सभी NAND में जाएगा 0, और NAND में अगर एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट पे क्या आएगा, 1, तो आउटपुट पे इसलिए देखिए 1 आया है, ए बी की वैल्यू कुछ भी रहे, ठीक है। तो पहली कंडीशन थी, अब हमने क्या कर दिया, ई जीरो कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं ई जीरो कर दिया है, अब A और B की वैल्यू हमने 0 0 लिया, तो हमने जब E 0 कर दिया तो यहाँ पर 1 आया, हर एक NAND में 1 जा रहा है, ठीक है। A 0 है, B 0, A 0, तो यहाँ पे देखिए 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, और ये भी 1, 1 इन 1 इन 1 1 हुआ, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये आएगा 0, और उस समय यहाँ पे देखिए इन्वर्ट जा रहा था, इसलिए ये हुआ है, जबकि यहाँ पे देखिए B डायरेक्ट जा रहा है, तो B आपका डायरेक्ट जा रहा है, इसका मतलब बी जीरो है, तो आउटपुट पे क्या है, ए जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए ए डायरेक्ट जा रहा है तो आउटपुट पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ए भी दोनों ही जा रहे हैं तो एक भी इनपुट जीरो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1, तो नैंड में अगर एक भी इनपुट जीरो हो रहा है आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 1, इसीलिए देखिए ये तीनों हाई आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन में ई जीरो लिया फिर, तो यहाँ पे 1 हुआ, तो तीनों नैंड में 1 गया, 1 हो गया, अब ए की वैल्यू 0 है, बी 1 है, ए 0 है और बी 1 है,
तो देखिए पहले में देखिए ए जीरो है तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन हो गया, ठीक है। और बी क्या है, वन है, वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट में एक इनपुट जीरो हो गया, एक भी इनपुट जीरो, आउटपुट पे क्या आएगा, वन। तो सेकंड वाले केस में ये क्या हो जाएगा, वन। अब इसमें दे रहे हैं ए जीरो है, बी वन है, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन और बी वन है और ये भी क्या आ रहा है, वन, 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 आउटपुट पे क्या मिलेगा, जीरो। जब नेट में सभी इनपुट आई हो तो आउटपुट पे क्या मिलता है, जीरो। और उस केस में अब देखिए इसमें भी क्या होगा, थर्ड वाले केस में वन हो जाएगा, ए भी वन हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपका क्या है, बी वन है और ए जीरो, ए जीरो, एक इनपुट जीरो, तो आउटपुट पे क्या आएगा, हाई। इसमें भी ए जीरो है तो आउटपुट पे क्या आएगा, हाई। दूसरी कंडीशन वेरीफाई हो गई। थर्ड क्या है, ई जीरो है, ए वन, बी जीरो, फिर तीनों नैंड में वन जा रहा है। अब ए वन है, ए वन दिया तो वन का कॉम्प्लीमेंट देखिए, यहाँ वन दिया तो वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, इसमें जीरो क्या है, इसमें एक इनपुट जीरो, तो आउटपुट पे क्या होगा, वन। नैंड में एक भी इनपुट, आउटपुट पे क्या आएगा, जीरो। हाँ सॉरी, नैंड में एक भी इनपुट जीरो, आउटपुट पे आएगा वन, ठीक। सेम इसमें देखते हैं दूसरे वाले में, वन दे रहे हैं तो यहाँ जीरो हो रहा है, लेकिन तो फिर इसमें भी जाएगा तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा, हाई, ठीक है। थर्ड वाला ए वन है और बी जीरो है, तो जीरो का यहाँ देखिए जीरो दे रहा है तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, ए वन है और ये भी वन है, तो तीनों इनपुट हाई है, आउटपुट पे क्या मिलेगा नेट में, जीरो। यहाँ पे आ जाएगा जीरो। और इस कंडीशन में ए वन है, ठीक है, बी आपका क्या है, जीरो है, तो एक इनपुट हो गया जीरो इसमें, तो नेट में एक भी इनपुट जीरो, आउटपुट पे क्या आएगा, वन। फोर्थ कंडीशन हम देख रहे हैं ई जीरो है और ए भी वन वन है, तो ई जीरो यानी सभी नैंड में वन जा रहा है और ए भी वन वन है, तो देखिए वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, तो यहाँ एक इनपुट जीरो, ये दोनों इनपुट जीरो हो गए, नैंड में एक भी इनपुट जीरो, आउटपुट पे वन। सेम देखिए इसमें भी वन वन, तो यहाँ पे भी जीरो जाएगा तो आउटपुट पे वन मिलेगा, इसमें देखिए वन देंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये भी क्या आएगा, आउटपुट हाई। और इसमें देखिए ये है वन, ए वन जा रहा है और ये बी भी वन है, वन इंटू वन वन, और नैंड में एक भी इनपुट वन, आउटपुट पे क्या मिलेगा, जीरो। यानी कि नैंड में आपके सभी इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, जीरो। तो फोर्थ वाली कंडीशन हमारी वेरीफाई होती है कि नैंड गेट अगर हम देख रहे हैं, नैंड गेट में क्या है कि जब एक भी इनपुट जीरो हो रहा है, आपने चारों जो भी आपने सर्किट बनाई है, सर्किट में आपने चेक किया है कि अगर एक भी NAND गेट में इनपुट जीरो है तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है, वन। तो आपको बस यही ध्यान रखना है लॉजिक गेट्स का, और इसमें बस यही लॉजिक गेट का यूज हो रहा है कि NAND गेट आ रहा है और NAND गेट में क्या होगा, एक भी इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, वन, क्योंकि NAND मतलब क्या है, एंड देन इनवर्ट, और एंड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। तो जीरो का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और उसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो वन, यानी क्योंकि बाद में इनवर्ट हो रहा है, एंड इनवर्ट, प्रोडक्ट जीरो देन इनवर्ट एंड वन। और जब सभी इनपुट हाई होंगे नैंड में, सभी इनपुट जितने भी है, दो है, तीन है, तो सभी इनपुट हाई होंगे तो क्या होगा, पहले प्रोडक्ट तो हाई है मतलब हो गया वन, वन का प्रोडक्ट जितने भी वन का मल्टीप्लाई करेंगे आप वन आएगा, उसका इन्वर्ट कर देंगे तो जीरो। तो ये था 2-4 लाइन डिकोडर यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, ओके, थैंक यू।